मैं 2023 का न्यू ट्रिक के साथ दोस्तों यहाँ पर जो है वाइप डाटा को मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली एक्टिवेट करके यहाँ पर हार्ड रिसेट सक्सेसफुली यहाँ पर किया हूँ। हार्ड रिसेट के बाद दोस्तों FRP का जो ऑप्शन आता है FRP को भी यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर बाईपास होके अनलॉक यहाँ पर हुआ है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों वीवो का सेट है, इसमें आप यदि पेटेंट पिन पासवर्ड लगा के भूल गए हैं, आपको पता नहीं है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको 100% आपको यहां पर न्यू ट्रिक के साथ दोस्तों यहां पर आपको अनलॉक करके दिखाएंगे। यहां पर दोस्तों ओनली वन जो न्यू स्टेप यहाँ पर ऐड हुआ है, न्यू स्टेप के साथ दोस्तों यहाँ पर आप 100% यहाँ पर अनलॉक कर पाएंगे। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आगे भी आपको इसी तरह जानकारी से रिलेटेड वीडियो अपलोड मिलती रहे। दोस्तों आपका फ़ोन में यहाँ पर सिम जो है लगा हुआ होना चाहिए, और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपल तरीका से इमरजेंसी में जाना है। इमरजेंसी में जाने के बाद आपको सिम और यहाँ पर नेटवर्क और आपका नेट यहाँ पर दोनों चालू रहना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो कोड आपको प्रेस करना है *#*#, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 8 9 6 3 4 1 *#8 8 8 8 8 4 times 8 डालना है और 0 उसके बाद *#, ये आपको यहाँ पर देना है दोस्तों। ये कोड आपको यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क के साथ आपको इमरजेंसी को प्रेस करके ओके करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपल तरीका से जो है आपको यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर पेटेंट में आपको यहाँ पर जाना है दोस्तों। पेटेंट में यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर गलत पेटेंट को आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है जब तक कि फॉरगेट का ऑप्शन यहाँ पर आ नहीं जाता है। यहाँ पर गलत पेटेंट का आपको यहाँ पर ड्रॉ करके फॉरगेट का ऑप्शन को लेके आना है दोस्तों, और फॉरगेट का ऑप्शन को लाने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से फॉरगेट का ऑप्शन को यहाँ पर लेके आना है, और फॉरगेट का ऑप्शन को लेने के बाद फॉरगेट में आपको यहाँ पर प्रेस करना है। इस तरह से फॉरगेट में आपको यहाँ पर प्रेस करना है दोस्तों, और प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर दो को बॉक्स दिख रहा है, पहला बॉक्स और दूसरा बॉक्स। तो पहला बॉक्स में दोस्तों हम लोग का जो आपको यहाँ पर सिम के साथ आपको कोड आपको यहाँ पर एक्टिवेट करने का है, इसको हम लोग प्रेस करेंगे *#*#। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 3 6 2 1 5 8 *#8 9 #, ये आपको यहाँ पर प्रेस करना है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पर *2 पे जाना है, और यहाँ पर आपको *#*#9 6 5 4 7 8 2 8 *#9 6 5 6 *#, ये आपको यहाँ पर प्रेस करना है। ये आपको यहाँ पर प्रेस करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सिंपल तरीका से वेरीफाई का जो ऑप्शन है इसको प्रेस कर देना है, ओके आएगा तो आपको यहाँ पर ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको ये करने के बाद आपको यहाँ पर पावर ऑन ऑफ बटन को यहाँ पर प्रेस करके रखना है, और मोबाइल को यहाँ पर सिंपल तरीका से आपको यहाँ पर पावर ऑफ यहाँ पर करना है। इस तरह से पावर ऑफ यहाँ पर हम लोग कर देंगे दोस्तों, पावर ऑफ यहाँ पर कर देंगे। पावर ऑफ यहाँ पर करने के बाद दोस्तों इस तरह से जब पावर ऑफ हो जाए, पावर ऑफ होने के बाद पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों को एक साथ हम लोग यहाँ पर प्रेस करके रखेंगे। यहाँ पर दोनों को एक साथ हम लोग प्रेस करके रखेंगे दोस्तों, रिकवरी मोड को लेके आएंगे। उसके बाद आपको वॉल्यूम डाउन और पावर ऑन ऑफ बटन की सहायता से हम लोग यहाँ पर आगे यहाँ पर जाएंगे। आगे यहाँ पर इस तरह से हम लोग यहाँ पर जाएंगे दोस्तों। आगे यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि वाइप डाटा में यदि आप यहाँ पर कोड डालने के बावजूद भी दोस्तों यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर वाइप डाटा में जाने के बाद इस तरह से वाइप डाटा में जाएंगे दोस्तों, तो आपका जो पेटेंट है दोस्तों वो आपको यहाँ पर इंटर करने के लिए बोलेगा, क्योंकि यहाँ पर फ़ोन में फुल्ली जो एक्टिवेट होना है वो आपका अभी तक यहाँ पर नहीं हुआ है। इस तरह से दोस्तों पेटेंट आपको इंटर करने के लिए बोलेगा, जो ओल्ड पेटर्न आपको पता नहीं है, भूल गए हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका जो है पेटेंट यहाँ पर रिसेट नहीं होगा। तो इस तरह से आपको नहीं करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर बैक जाना है, और आपको यहाँ पर नीचे में सिस्टम रिपेयर मोड यहाँ पर जाना है, और इसको आपको यहाँ पर ओके यहाँ पर कर देना है। इसको ओके करते के साथ ही दोस्तों आपका जो है अगला ऑप्शन वो आपका यहाँ पर वीवो लिखा हुआ आ जाएगा, और अगला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से दोस्तों अगला ऑप्शन यहाँ पर कुछ देर में यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। आने के बाद दोस्तों आपका सिस्टम रिपेयर मोड जो है वो भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर रिबूट सिस्टम जो है इसको आपको यहाँ पर कर देना है। इस तरह से हम लोग करेंगे दोस्तों, और आपको आप कुछ देर में जो है आपका यहाँ पर वीवो लिखा हुआ है वो आपका यहाँ पर आएगा।
इस तरह से वीवो लिखा हुआ आएगा दोस्तों। तो वीडियो को आगे फॉरवर्ड करते हैं, आपका जब पूरा सिस्टम रिपेयर मोड एक्टिवेट होने के बाद ऑन हो जाए तब आपको यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है। तो इस तरह से दोस्तों फिर से यहाँ पर आपको स्टार्ट करना है। स्टार्ट यहाँ पर करने के बाद इस तरह से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट में हम लोग का जो है इम्पोर्टेंट जो अपडेट है इसको हम लोग यहाँ पर सिस्टम रिपेयर मोड को एक्टिवेट करने के बाद हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पर जो है इसके बाद आपको सिस्टम रिपेयर मोड को एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पर सिम का यहाँ पर जरूरत है दोस्तों। अब बिना सिम का जो है आपको एक आपको सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करना है तभी आपका यहाँ पर हो पाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पर सिम को निकाल चुके हैं और निकालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फिर से इमरजेंसी में जाना है। इमरजेंसी में यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों आपको जो है आपको यहाँ पर स्टार हैच प्रेस करना है 2356833 28 स्टार हैच, ये प्रेस करने के बाद दोस्तों 3625 स्टार हैच ये आपको यहाँ पर प्रेस करना है दोस्तों। विदाउट सिम इमरजेंसी में जाना है, ओके आएगा ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको बिना सिम का जो है आपको यहाँ पर फॉरगेट का जो ऑप्शन है उसको भी आपको यहाँ पर लेके आना है। फॉरगेट का ऑप्शन को यहाँ पर लाने के बाद दोस्तों यहाँ पर इस तरह से फॉरगेट में आपको यहाँ पर प्रेस करना है आपको आंसर वन और आंसर टू। तो इस तरह से आंसर वन और आंसर टू में आपको प्रेस करना है दोस्तों। आपको जो है विदाउट सिम जो कोड को आपको यहाँ पर एक्टिवेट करना है आपको यहाँ पर स्टार हैच देने के बाद 3622546 उसके बाद दोस्तों स्टार हैच 9658 स्टार हैच ये आपको देना है दोस्तों। और आपको यहाँ पर बॉक्स टू में स्टार हैच 3658 स्टार हैच उसके बाद दोस्तों 3996 स्टार हैच ये आपको यहाँ पर देना है। ये आपको यहाँ पर इस तरह से कोड को आपको यहाँ पर प्रेस करने के बाद आपको सही कोड आपको यहाँ पर प्रेस करना है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई का जो ऑप्शन है इसको प्रेस कर देना है विदाउट सिम में और आपको यहाँ पर ओके आएगा, इस तरह से ओके आएगा तब ओके यहाँ पर कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ज़्यादा और कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पर जो है आपको पावर ऑन बटन को यहाँ पर प्रेस करके रखना है इस तरह से और इस तरह से पावर ऑन बटन को प्रेस करके पावर ऑफ यहाँ पर कर देना है इस तरह से दोस्तों। यहाँ पर पावर ऑफ आपको यहाँ पर कर देना है, पावर ऑफ करने के बाद पावर ऑन बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों को एक साथ यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रेस करके रखना है। दोनों को एक साथ यहाँ पर प्रेस करके रखेंगे दोस्तों इस तरह से रिकवरी मोड आ जाएगा। वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस कर लेना है और पावर ऑन बटन को प्रेस कर लेना है। इसको प्रेस करते के साथ ही दोस्तों आपके यहाँ पर फिर से जो है वीवो लिखा हुआ आ जाएगा और उसके बाद कुछ देर में आपका जो है अगला स्टेप यहाँ पर आएगा। इस तरह से अगला स्टेप यहाँ पर आएगा दोस्तों। अगला स्टेप आने के बाद आपको जो है यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर आने के बाद वाइप डाटा का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको चल जाना है और वाइप केक जो है दोस्तों इसको आपको जल्दी जल्दी आपको यहाँ पर रिमूव करना है। वहाँ जाने से पहले जो वाइप केक है इसको आपको यहाँ पर रिमूव कर लेना है, इसको आपको यहाँ पर रिमूव करना है दोस्तों। और वाइप डाटा में हम जाना है, वाइप डाटा में यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सक्सेसफुली जो है इंटर करने के लिए दे दिया और हार्ड रिसेट जो है यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर घर बैठे आप बड़ी आसानी से इस ट्रिक के साथ यहाँ पर घर बैठे हार्ड रिसेट कर सकते हैं। इसको दोस्तों हम लोग फ़ोन को जो है रिबूट सिस्टम में यहाँ पर हम लोग डाल देंगे। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर रिबूट सिस्टम में डाल देंगे, फ़ोन आपका जो है पेटेंट पिन पासवर्ड कुछ भी रहे 100% आपका रिमूव कर देगा। तो दोस्तों इसको और में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वीडियो को आगे फॉरवर्ड करते हैं और इसके बाद का जो FRP का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर बताते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर स्टार्ट कर लेना है दोस्तों। आपको यहाँ पर आपको इस तरह से लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेना है और आपको इसके बाद कंट्री का ऑप्शन आएगा इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एग्रीमेंट आएगा दोस्तों, इसको आपको यहाँ पर एग्री कर लेना है और उसको दोस्तों आप नेट यहाँ बाद में भी कनेक्ट कर लेना है, इसको अभी स्किप कर देना है और इसका आपको गूगल सर्विस मिलेगा इसको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है नेक्स्ट कर लेना है, इसके बाद आपको यहाँ पर स्किप कर लेना है, स्किप करने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट कर लेना है और यूज नाउ में आप जैसे ही प्रेस करेंगे दोस्तों फ़ोन यहाँ पर आपका सक्सेसफुली जो है